नवरात्रि में माँ अम्बा के नौ रूपों की पूजा होती है। इन नौ रूपों को कष्टों का निवारण माना जाता है। आदि शक्ति का पहला रूप है शैलपुत्री, जिनकी आराधना नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। नवरात्रि की प्रथम तिथि को शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण रहते हैं। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का ये रूप भक्तों और साधकों को अनंत कोटि फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। चंद्रघंटा इनकी आराधना तृतीया को की जाती है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वीरता के गुणों में वृद्धि होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश होता है और आकर्षण बढ़ता है। देवी कुष्मांडा इनकी उपासना से सिद्धियों निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर हो जाते हैं। आयु और यश में वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता देवी स्कंद माता मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। देवी कात्यायनी छठे दिन इनकी पूजा की जाती है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है। कात्यायनी साधक को दुश्मनों का संहार करने में सक्षम बनाती हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। कालरात्रि इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। महागौरी इनकी पूजा सारा संसार करता है। महागौरी की पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है, शत्रु शमन होता है। सिद्धिदात्री इनकी आराधना से जातक अणिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य महिमा इष्यत्व सर्व कामो व साइंता दूर श्रवण परकाया प्रवेश वाक सिद्धि अमरत्व भावना सिद्धि और समस्त नवनिधियों की प्राप्ति होती है। मान्यता के मुताबिक नवरात्रि में नौ दिनों की नौ देवियों की उपासना करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। वीडियो डेस्क amarujala.com अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।